जय माता दी, आपका हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए वृषभ राशि 2020 फरवरी माह का राशिफल। दर्शकों, इस माह में विशेष आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, राशि अनुसार हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं इस माह में विशेष क्या तीज त्यौहार पड़ते हैं या फेस्टिवल क्या हैं। तो 9 तारीख को पूर्णमासी है, भगवान विष्णु की पूजा करें, और 21 तारीख को शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि, जो भगवान के बहुत प्रिय होती है। भगवान शिव जी की शादी हुई थी इस दिन। जो लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं, गन्ने के रस से अभिषेक कराएं, उनको प्राप्ति होगी। और भगवान शिव के जो उपासक हैं, शिव जी की पूजा करें। और 23 तारीख को अमावस्या है, पितरों के लिए जो हम जल देते हैं और पितरों की पूजा करते हैं, गौ को खाना खिलाते हैं और ब्राह्मणों को भी हम अपना वस्त्र दान देते हैं और खाना खिलाते हैं, उससे आपके पित्र प्रसन्न रहेंगे। अब जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। वृषभ राशि जो स्वामी होते हैं शुक्र होते हैं। वृषभ राशि की जो गति है या युति है, वो शुक्र एक मुख है, मुख एक प्रसन्न रहता है, हंसमुख होता है ऐसा व्यक्ति, और सदा हर किसी को अपने लेकर चलता है और अपने मन के अनुसार खान पान की चीज़ें पसंद करता है, उसमें उसको ज़्यादा एक्टिव और मतलब परेशानियाँ नहीं आती हैं। राहु जो है कुटुंब भाव में विराजमान है, ऐसी स्थिति में राहु की युति बनी हुई है आपके धन के लिए या आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा है। तृतीय का राहु बैठा द्वितीय भाव में विराजमान है, मैं उच्च का होकर, तो कुटुंब के प्रति आप चिंतित रहेंगे, जो कि आपके इस इस महीने में फरवरी माह में आपका पूरा होगा। गुरु मंगल केतु आपके अष्टम भाव में विराजमान है, ऐसी स्थिति में क्या है कि आपको किसी चीज़ को आप सोचेंगे, जल्दी नहीं करेंगे, आपको शक होगा, डर लगेगा, क्योंकि अष्टम में केतु विराजमान होने से व्यक्ति के लिए कई बार सुनेंगे सबकी, करेंगे अपने आप मन की, क्योंकि किसी कहने पर आप कोई काम नहीं करेंगे। और गुरु मंगल की उति बैठे हैं, ऐसी स्थिति में जो प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, जिससे कोई चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं इस माह में, उसी उनके लिए क्या है कि हम मंगलिक का भी एक योग बन रहा, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपका जो रिश्ता है कहीं ना कहीं दूरियाँ ना बने और सटीक रहें, इसलिए आपको अच्छी युवान अच्छे प्यार से उसको सेटलमेंट करना है, ताकि आने वाली दिक्कतें आपको परेशानियां सामना ना करने पड़े। शनि सूर्य आपके भाग भाव विराजमान है, ऐसी स्थिति में क्या है कि भाग का आपको सपोर्ट मिलेगा और बुजुर्ग लोग से आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा। कोई विदेश की जो आपकी यात्रा है या विदेश से कोई धन जो आपका आने वाला था जो नहीं आया, वो फरवरी माह में अवश्य आएगा, ऐसे इसमें योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बुध जो है आपके कर्म क्षेत्र में विराजमान है, व्यापार हाउस में, ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या है कि आपको बुध का सपोर्ट मिलेगा। जो व्यापारी हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, या जो कोई वकील हैं, या जो मतलब कोर्ट कचहरी मतलब सरकारी काम आप कोई फंसा हुआ है, वो इस माह पूरा होगा और व्यापार में चार चांद लगेंगे। और शुक्र की यदि बात करें, तो शुक्र आपका मीन राशि में उच्च का होता है, जो आय भाव में विराजमान है, तो ऐसे धन की अपेक्षा बहुत अच्छी रहेगी, जिनके इनका ऐसे जातकों का शादीवाद भाग्योदय होता है और किसी स्त्री से धन की आपको प्राप्ति होगी। और कहीं ना कहीं जो आपका एक अच्छी तरीके से संबंध नहीं बन पा रहा था, किसी तरीके से आप कोई चीज़ को खोज कर रहे थे, नहीं मिल पा रही थी, इस माह में आपको अवश्य मिलेगी। और वृषभ राशि के जो स्वामी होते शुक्र होते हैं, शुक्र जो हमारे एक लाइफ का होता है, वो लजगरी का कारक होता है, और जब ये शुक्र अच्छा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो हमारे भौतिक क्रियाएँ भौतिक सुख मिलेगा और खान पान की चीज़ें, गाड़ी घोड़ा और स्त्री का सुख हमको मिलता है। स्त्री एक जो है ना लक्ष्मी होती है, इसलिए औरतों का आप सम्मान करें और उनके लिए जो है अच्छे से अच्छी चीज़ें आप उनको कोऑपरेट करें, ताकि आपका भाग्योदय होता रहेगा। आपके लिए जो है देवी का आराधना करना है, शुक्रवार के दिन भगवान दुर्गा जी की आराधना करें। और जो आपके राशि का रत्न होता है, वो होता है ओपल। ओपल धारण करने से आपको शरीर में जो जलन होती है वो नहीं होगी, और आपको एक दिमाग बहुत अच्छा ठंडा लगेगा, और अपने दिमाग के साथ आप आगे बढ़ेंगे, जिसमें आपको सफलताएँ मिलेंगी। दर्शकों, कुंडली के अनुसार इस चंद्र राशि हिसाब से हम बताते हैं। यदि आपको विशेष कोई जानकारी लेना है व्यापार के लिए धन के लिए, या कोई मतलब काम करना चाहते हैं, विद्यार्थी लोग को पढ़ाई कोई एग्जाम वगैरह देना है, या कोई मतलब कोर्स करना है, उसके निमित्त कुंडली अनुसार आप चलेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। उसके बाद आप डिसीजन लें कि हम मैथ लेंगे या गणित लेंगे या अंग्रेजी में किस विषय में हम आगे रहेंगे, इसलिए उसके हिसाब से आप चलेंगे तो हम आपको बताएंगे। समय का अभाव होता है, सारी चीज़ नहीं बता सकते, आप जान सकते हैं, इसलिए हमारे साथ संता संपर्क कर सकते हैं, कॉल करें, हम आपको बताएंगे। जय माता दी। भूमि भवन वाहन धन संपत्ति शादी व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उनका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद राम अवतार मिश्रा जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र है 9650925716 0120410877। ईमेल आईडी है वैदिक ज्योतिष परामर्श 2004 @
hello@astrovedic.com। हमारी वेबसाइट है www.astrovedic.com।